तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको कराने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 के लिए प्रीवियस इयर्स के जो जीके हैं 2021-22 के। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो कौन है वो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है? वो है प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा है वो हमारे पारंपरिक स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है वो कब आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 2 जनवरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम क्या था? तो कर का नाम था यात्रा वेतन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मांडो त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? पहले हमसे गैर पारंपरिक स्रोत पूछा गया था और अब है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। पौधों को नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की जो है वो आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी पर जनरल डायर की हत्या का आरोप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाबर ने किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान को हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526 में, जब मुगल शासन की जो है वो शुरुआत हुई थी और बाबर ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजन पद की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। वैशाली जो है वज्जी महाजन पद की राजधानी थी। तो इतना ही आज के लिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ही वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।